असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टेबल ट्रीट कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो है शेर होरमा रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा आए फ्रेंड्स हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में टू टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे फ्रेंड्स देसी घी होम है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है देसी घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें हाफ पैक स्वैया ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स वहियाँ ऐड करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फाइव मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे फाइव मिनट के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे यहाँ मैंने बादाम पिस्ता काजू और खजूर और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड की है इनको हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे और फाइव मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे तो फ्रेंड्स फाइव मिनट के बाद अब हम इसमें वन लीटर मिल्क ऐड करेंगे दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम टेन मिनट के लिए पकाएंगे सवैया में अच्छे से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं अब हम इसमें थ्री टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम फाइव मिनट के लिए पकाएंगे फ़ाइव मिनट के बाद अब हम इसमें एक चुटकी जाफरान ऐड करेंगे ज़ाफ़रान ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम डिज़र्ट कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। जितनी हमें चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी तक हम इसको पकाएंगे। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना तो फ्रेंड्स शीर में अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया है अब हम इसका फ़्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे शीर हुरमा सर्विंग के लिए रेडी है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ टिल देन हाफिज़